साथियों, मैं बहुत बार आपसे एक बात शेयर करता हूं और ये कहता हूं कि वास्तु नहीं मारता, वह मारता है। समस्या तब होती है जब आपने कहीं से, किसी के मुंह से, या कहीं इंटरनेट पर, कहीं आपने वीडियो में किसी के कुछ देख लिया और उसने कहा कि अगर सेंटर में, अगर घर के बिल्कुल सेंटर में आपने कोई, अगर 2 ग्राम की भी कोई चीज रख दी तो ले बैठेगी साथियों, और सुना और आपके मन में होगी टेंशन। साथियों, ब्रह्म स्थान को लेकर बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं और आपके मन में क्या करते हैं, आप उस भ्रांति को जल्दी अपने अंदर ले लेते हैं, उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। और आपको जानना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार ब्रह्म स्थान की साइंटिफिक और लॉजिकल वैल्यू क्या है, कैसे काम करता है ब्रह्म स्थान, और क्या क्या एक्चुअल में नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। नहीं होने की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन आज क्या है, आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा ब्रह्म स्थान में क्या क्या चीजें हो सकती हैं आराम से, ताकि आप जो है परेशान ना हो, ये मत सोचो कि मेरा ब्रह्म स्थान घर का खराब हो गया। इसी पर आज वीडियो बनाई है मैंने, ताकि आपसे ये साझा करूं कि आपसे सच में कोई गलती नहीं हो रही है, आप भटको नहीं, सही रास्ते पर हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आज आपको लेकर चल रहा हूं उस सफर पर जहां पर आपके मन में जितनी भ्रांतियां पैदा हुई हैं ब्रह्म स्थान को लेकर, उन सबको हटाऊंगा और आपको बताऊंगा सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, ताकि आप जो है कोई गलती ना करो, और अगर हो गई है तो आपको ये पता चले कितनी सीरियस गलती है, कितनी सीरियस नहीं है, और उसको ठीक करना आपको मैंने बहुत बार समझाया भी है। आगे चलते हैं, लेकिन आपको आज का टॉपिक क्या क्या हो सकता है ब्रह्म स्थान में। ब्रह्म स्थान कहते हैं घर का जो सेंटर होता है, किसी भी भवन का 1/3 भाग जो है रफली जो भाषा में, वो ब्रह्म स्थान होता है। मर्म स्थान भी इसके बीच में होते हैं, ब्रह्म स्थान में भी होते हैं, मुख्य जो हमारा नक्शा होता है उसमें भी आपको मिल जाएंगे बहुत से मर्म स्थान मिल जाएंगे, जिसे कहते हैं मर्मा बोलते हैं, और हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी जो 7 चक्रास होते हैं बॉडी के, इसी तरह से 7 चक्रास हमारे माने जाते हैं किसी भी भवन में। देखिए, अब जो ब्रह्म स्थान होता है ये तो होता है किसी भी भवन का या किसी भी भूखंड का सेंटर का हिस्सा। अब आप पूछेंगे सर ये 2 बातें क्यों बोल दी आपने भारद्वाज जी, भवन भी बोल दिया, भूखंड भी बोल दिया, छुट गए? नहीं, देखिए सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव पॉइंट होता है, वो ये है कि जो हमारा बिल्टअप एरिया है, फिर से ध्यान से सुन लेना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया का मतलब जो हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, जहां पर हमारा भवन बना हुआ है, उसका जो सेंटर एरिया बनेगा वो हमारा प्राइमरी ब्रह्म स्थान होता है। सेकेंडरी ब्रह्म स्थान होता है हमारे पूरे के पूरे भूखंड का। भूखंड तो हो सकता है, यदि आप किसान हैं, कहीं खेत में रहते हैं, हो सकता है आपका 5 एकड़ 10 एकड़ 50 एकड़ का आपका खेत हो, और आपने छोटा सा एक जो है अपना डेरा बोला करते थे पहले, आपने डेरा बना रखा है, या आपने घर बना रखा है, या कुटीर बना रखी है, तो आपका जो घर होगा उसका ब्रह्म स्थान जो है, जो बिल्टअप एरिया का होगा, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। पूरे प्लॉट के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि हो सकता है प्लॉट आपका जो है 5,000 गज का हो, और आपका जो आपने जो भवन बना रखा हो वो साउथ वेस्ट के दक्षिण पश्चिम के कोने में छोटा सा आपने 100 गज बना रखा हो, तो वो जो ब्रह्म स्थान तो कहाँ चला गया, वो तो कहाँ से कहाँ पहुँचा, वो तो ब्रह्म स्थान की कोई वैल्यू भी नहीं रही साथियों। इसलिए जो ब्रह्म स्थान है, मैंने आपसे कहा था कि साइंटिफिक वैल्यू इसकी होती है, क्योंकि इसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब कभी भूकंप आता है तो ये क्या करता है, ये एकदम से ये जो है वाइब्रेट करना शुरू करता है, इसको फ्री रहना चाहिए। आगे लेके चलता हूं, देखिए ये है ब्रह्म स्थान परिभाषा। ब्रह्म स्थान की परिभाषा असलियत में यह है कि लंबाई चौड़ाई जो होती है उसका 1/3 हिस्सा अप्रोक्सीमेटली लगभग होता है, और अगर इतना भी ना कर पाओ तो अगर आप इसका भी अगर 1/3 कर लेते हैं तो उससे भी हमारा काम चलता है। आज के समय में इतने बड़े बड़े भूखंड नहीं है, इतने बड़ी बड़ी आपके पास इमारतें नहीं है कि आप उसमें भूखंड को उसमें से 1/3 यानी 1/3 आप खाली छोड़ पाओ, मत छोड़ो, क्योंकि अब हमें साइंटिफिक लॉजिक पता चल गया, बिल्डिंग जो बनाने का तरीका है साथियों, आर्किटेक्चर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, उस पॉइंट को हम पहले ही टेक केयर कर लेते हैं जो पॉइंट के ब्रह्म स्थान के अंदर खराब करने के लिए उत्तरदायी होता है, समझने की कोशिश करेंगे आप। अब देखिए आगे हम बात करते हैं ब्रह्म स्थान में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपका ब्रह्म स्थान में हो सकता है आपका सिटिंग एरिया, जिसको कहते हैं फैमिली लॉन्ज, जहां पर आपने बैठा है। देखिए इसमें जो है मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो ये है कि सेंट्रल एरिया में अगर आपने सोफा रखा हुआ है, सेंट्रल टेबल रखी हुई है, कोई गुनाह नहीं है, वास्तु के हिसाब से इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है जो आपने किया हुआ है, तो आप ऐसा रख सकते हैं आराम से ब्रह्म स्थान को। खाली मत रखना, छोटे छोटे घर होते हैं, अगर खाली रखेंगे तो कैसे जिएंगे,
इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही एरिया जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए सिटिंग एरिया, इसको कहते हैं फैमिली लॉन्च बोल देते हैं हम लोग। परिवार वहां पर बैठता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं, और वहां पर महिलाएं अपने घर का काम भी करती हैं, गेट टुगेदर वहां पर इनका होता रहता है, बहुत अच्छा ये भी होता है। तीसरा आपको दिखा रहा हूं कि मैं ब्रह्म स्थान के अंदर आपकी जो है ऐसा एरिया भी हो सकता है, मतलब अगर मीडियम साइज का जो फर्नीचर है वो हो सकता है सेंटर में आपके, ऐसा कुछ भी रख सकते हैं, कोई शो पीस रहना है, मतलब खाली छोड़ दें बिल्कुल, पूरी तरह से ग्राउंड बना दें वहां पर, प्ले ग्राउंड बनाना जरूरी नहीं है। आप ब्रह्मस्थान देखिए, मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको ताकि आपके समझ में आए कि मैं बताना क्या चाहता हूं। यानी हल्की चीज, कोई भी हल्का सोफा, हल्की टेबल, हल्की कोई चीज होती है इसमें कोई समस्या नहीं होती। और इसमें दिखाना चाहता हूं कि अगर आप जो है कोई छोटा मोटा यहां पर टेबल भी रखते हैं तो उस टेबल से भी कोई वास्तु दोष पूरा दोष नहीं हुआ करता। अब देखिए ये अगर परिवार के उठने बैठने की कोई जगह बनाते हैं छोटा मोटा, वहाँ पे चेयर डाल देते हैं, टेबल डाल देते हैं साथियों, इससे भी कोई ब्रह्मस्थान खराब नहीं हुआ करता। क्योंकि मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्रह्मस्थान के बारे में मेरे पास कम से कम 30-40 मेरे पास मेल आ चुकी हैं, और मेरे पास व्हाट्सएप भी भेजा लोगों ने, और सब देखिए शेयर करने की कोशिश की है कि सर क्या वहाँ पर छोटी मोटी चेयर से ब्रह्मस्थान खराब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये वास्तु दोष नहीं हुआ करता। जान लें सच्चाई और असलियत क्या होती है। इसके अलावा देखिए ऐसी लोबी, ये बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है साथियों, कहते हैं मेरे ब्रह्म स्थान में जो ना सीढ़ी या कोई चीज सेंटर में तो नहीं है भारद्वाज जी, थोड़ा सा हटी हुई है, सेंटर के पास है। ये देखिए सेंटर के पास यहां पर आप देख रहे हैं ये एक सीढ़ी बनी हुई है सेंटर। अगर मैं इसको मान लेता हूं, अगर मान लिया ये मेरा अगर सेंटर बनता है तो ये जो सीढ़ी है उसके बिल्कुल पास में यहां पर एक रखा हुआ है, एक यहां पर एक छोटा सा स्टोरेज यहां पर रखा हुआ है टेबल जैसा यहां पर, ये ठीक है। तो वो कास्टर ऐसा इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए ब्रह्मस्थान अगर मैं इसको मान लेता हूँ, सेंटर को मान लेता हूँ, तो इसके आसपास अगर ऐसी कोई चीज़ें होती है तो मन में बिल्कुल भय मत करना, क्योंकि सेंटर जो है आप चाहें तो 1/3 एरिया को खाली नहीं रख सकते। मेरे घर में भी नहीं है साथियों, कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि छोटे घर होते हैं। अगर किसी का 1000-2000 गज की किसी की बहुत बड़ी कोठी हो और फालतू जगह उसके पास पड़ी हो तो रख ले कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यूज़ वहाँ भी करेगा वो, क्योंकि वहाँ पर बना होगा फैमिली लॉन्च जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था। ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, इसके पॉजिटिव होने के पीछे जो कारण है वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि अपने ब्रह्म स्थान को अगर आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिया, वहां पर कोई नहीं आ रहा है जा रहा, वहां बिल्कुल कर दिया, तो भी वहां की जो ऊर्जा होती है, जो आकाश तत्व की जो ऊर्जा होती है, वो किसी को नहीं मिलेगी। क्योंकि इसको बोलते हैं हम फिफ्थ एलिमेंट, पांचवा तत्व होता है। ये देखिए इस तरह का ब्रह्म स्थान भी बहुत कंफर्टेबल है। अब देखिए किसी का बड़ा हाउस है, बड़े हाउस में इन्होंने सेंटर में क्या रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ है। बहुत भारी फर्नीचर नहीं होना चाहिए, वैसे आजकल होता भी नहीं है, हल्का फर्नीचर रखो, थोड़ा सा सेंटर से आउट कर दो, छोटी मोटी टेबल वहाँ डालें, कुछ भी वहाँ डालेंगे आप, वहाँ पे चटाई बिछाएंगे वहाँ पर या कारपेट डालेंगे, बच्चों के पढ़ने के टेबल डालेंगे, कोई गुनाह इसमें नहीं हुआ करता। इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर अगर आप चाहें तो सेंटर में खाना खाने की जगह बना सकते हैं अपने वर्कर्स के लिए, सुपरवाइजर के लिए। अगर सुपरवाइजर वहाँ पर छोटी मोटी टेबल लेकर बैठा है तो वास्तु कोई खराब नहीं हो जाया करता आपका ब्रह्म स्थान साथियों, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब क्या होता है कि एक मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया था कि जिसके अंदर ब्रह्म स्थान जो है बनता कैसे है। ब्रह्म स्थान साथियों अगर चौरस होगा, अगर आपका स्क्वायर प्लॉट होगा तो ब्रह्म स्थान आपका स्क्वायर होगा। अगर ये आपका जो ब्रह्म, अगर ये प्लॉट आपका या भूखंड, अगर आपका ये आपका भवन अगर वो लंबा होगा, अगर वो आयताकार होगा, तो साथियों आपका ब्रह्म स्थान भी आयताकार होगा। यहां पर आप चक्कर के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि जो चक्र है, जो वास्तु का चक्र एक आपने देखा है घूम रहा आजकल खूब, बहुत ज्यादा इसको लोग फ्लॉन्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उसके पीछे फट रहे हैं, यहां तक कि आर्किटेक्ट ने भी उसको पकड़ लिया, उनके बड़े काम को उनको लगा क्या काम की चीज है, जबकि वो थोड़े भवन में चिपका देते हैं बाकी को खाली छोड़ देते हैं। सही तरीका नहीं, अगर आपने वो तरीका अपनाया तब आपको क्या लगेगा, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्म स्थान आपका जो है, फिर तो ब्रह्म स्थान आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, जीरो शून्य बनाना पड़ेगा, ऐसा ब्रह्म स्थान नहीं हुआ करता। ब्रह्म स्थान जब भी बनेगा तो चौरस होगा, ध्यान कर लेना, ये देखिए चौरस ब्रह्म स्थान होता है, इसका साइज छोटा कर सकते हैं आप, ब्रह्म स्थान का जो सेंसिटिव वो पार्ट छोटा कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कभी भी कोई कॉलम नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर से बीम निकलता है, मान ले कोई बीम ऐसे क्रॉस करता है, कोई बीम जाता है, तो कोई ऐसा खतरनाक वास्तु दोष नहीं हुआ करता कि जिसको आप अपने मन में टेंशन की तरह से पाल लें। साथियों ऐसे ही होते हैं मेरे वीडियो, आज मैंने आपको बताया फंडा ब्रह्म स्थान का, सेंटर प्लेस का। मैं जल्दी वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा ब्रह्म स्थान में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये तो बता दिए सब ठीक है, सभी शुभ होती हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी आपको बताऊंगा, उस पर ध्यान करना। अगर आपने मेरा चैनल आज पहली बार देखा, वीडियो पहली बार देखा और आपने दिल ने कहा कि मजा आ गया आज भारद्वाज जी का, आज भारद्वाज से हमारा परिचय हो गया, ये मेरा परिचय तो है आपसे, अगर आप पहली बार आए थे तो आप मेरी फैमिली का मेंबर बन जाते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को अभी कर लेना, इसी समय सब्सक्राइब कर लेना, बड़े काम की बातें होती हैं इसके अंदर। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो उसको
लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आपने मुझे इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।